नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और एक डिजिटल क्रांति की तरफ आपको लेकर चलता हूं, जहां पे आप लोगों ने देखा कि जीजीडी है तो मुमकिन है कैसे कि रीट का पूरा बैच आप लोगों को प्री करवाया, क्लासेस दी, विद्यार्थियों ने पढ़ा, सिलेक्शन लिया। सेकंड ग्रेड का पूरा बैच जीके का प्री करवाया, विद्यार्थियों ने पढ़ा, सिलेक्शन लिया। फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस प्री करवाई, विद्यार्थियों ने पढ़ी, सिलेक्शन लिया। और अभी भी फर्स्ट ग्रेड की जो है रनिंग बैच चल रहा है। अब भूगोल की जैसे क्लासेस स्टार्ट करेंगे वो फिर से कंटिन्यू होंगे, ठीक है। उसके बाद में पशु परिचर की क्लासेस पूरी तरीके से फ्री चल रही है। और अब सीटी की क्लासेस किस तरीके से फ्री चलेगी और किस तरीके से आप लोग इसमें, मैं आगे की और सब्जेक्ट की क्लासेस किस तरीके से दूंगा, आपको यहां से कौन सी क्लासेस किस तरीके से पढ़नी है, यानी कि ये मान के चले कि जो ये सोचता है कि मेरे पास में फीस पे करने के पैसे नहीं है या मैं कहीं से पेड कोर्स नहीं खरीद पाता तो शायद मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ये अब नहीं होगा। राजस्थान में कम से कम नहीं होगा, क्योंकि जीजीडी है तो मुमकिन है। सीईटी की पूरी क्लासेस, यानी कि इतना बड़ा सिलेबस है, भीमकाय सिलेबस है। मैं तो कहता हूँ सीईटी का नहीं, ये तो जैसे कि आरएस का सिलेबस ही है, इस तरीके का सिलेबस है। फिर भी अपन जो है जज्बे के साथ में लड़ेंगे और जीतेंगे। किस तरीके से पढ़ना है और कैसे आप लोगों को ये बैच पूरी तरीके से फ्री मिलेगा। हाँ, स्टूडेंट्स कहते हैं कई बार कि यदि किसी को पढ़ाना ही है ना तो YouTube पर पढ़ाएं, और मैं तो आज दिन तक YouTube पर ही पढ़ाता आया हूं। जीरो सब्सक्राइबर से लेकर 550 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लेकिन आज दिन तक जीजीडी की एक भी क्लास कोई खरीद नहीं पाया, क्योंकि हमने सेल ही नहीं की और न हमारा ऐसा इरादा है। तो मजबूत इरादों के साथ चले हैं तो विद्यार्थी भी प्रेम करते हैं। तो ये पूरी तरीके से साथियों क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी और पूरा सिलेबस कवर होगा। कैसे उसको अपन यहां पे समझ देते हैं। अब देखो, किसी के मन में ये शंका ही हो कि क्या बता, हमें तो फास्ट करना है एकदम, तो फिर आप लोग पेड कोर्स की तरफ जा सकते हो। वो भी बुरे नहीं होते, वो भी मेहनत करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन सबका पैटर्न अलग अलग होता है। मेरा पैटर्न है, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं और यहाँ यूट्यूब पे पढ़ाता हूं ताकि हर विद्यार्थी पढ़ सके, तो मेरा यही पैटर्न रहेगा। आप मुझे फोर्स कर भी दोगे ना, कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ऐप में क्लास डाल दिया करो वहां व्यवस्थित दिखेगी, फिर भी मैं नहीं करता क्योंकि मुझे ध्यान है। मैं ऐप की तरफ क्लासेस को लेकर गया तो कई सारे विद्यार्थी जो वास्तव में पढ़ाई को डिजर्व करते हैं वो रह जाएंगे। तो यहाँ पे ही चलेगी अपनी, कम से कम इस मामले में सलाह मत देना, ठीक है। चलिए, तो ये किस तरीके से मिलेगी, और आप लोगों को लगे आपको पेड कोर्स में ही पढ़कर लगता है कि हाँ वहीं पे क्वालिटी मेंटेन हो सकती है या ये, तो आपसे कुशल प्रस्थान कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ने वाले सिलेक्शन भी लेते हैं और व्यवस्थित तरीके से आगे भी बढ़ते हैं, क्योंकि एक दो क्लास सिर्फ डेमो के रूप में नहीं दी जा सकती, नहीं दी जाती, बल्कि हर क्लास जो है उसे आप डेमो के रूप में ले सकते हो, क्योंकि हर क्लास पे मेहनत की जाती। कोई भी क्लास उठा के देख लो जीजीडी के प्लेटफॉर्म से, हर क्लास पे आप लोगों को मतलब 21 मेहनत मिलेगी, 19 भी नहीं। तो मैं बताता हूं, सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं कि क्लासेस मिलेगी कहाँ पे। तो क्लासेस मिलेगी साथियों आप लोगों को अपने इसी प्लेटफॉर्म पे, यानी कि ये जीजीडी का जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जिसपे 552 के से अधिक सब्सक्राइबर है, और यहाँ पे देखोगे तो 1500 के करीब जो है वीडियोस क्लासेस दी जा चुकी है। यहीं पे आप लोगों को क्लासेस मिलेगी जहां पे ये वीडियो आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये अपना ऑफिशियल चैनल है, इसका ध्यान रखें, ठीक है। ये यहाँ पे इसका बैनर वगैरह लगा हुआ है। अब देखो, अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, क्योंकि सिलेबस एनालिसिस का मैं वीडियो बना चुका हूं। अब देखो, सबसे पहले अपन पार्ट वाइज देखें कि क्लासेस कैसे और कहां मिलेगी। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राजस्थान का इतिहास। अब देखो, सीईटी जो 12th लेवल की दे रहे हैं सीनियर सेकेंडरी, उनके भारत का इतिहास नहीं है, राजस्थान का इतिहास है, ठीक है। उनके भारत का इतिहास नहीं है, राजस्थान का इतिहास है। तो राजस्थान इतिहास की क्लासेस स्नातक वालों के लिए बता दूं, मैं बाद में इतिहास की क्लासेस दूंगा जब गर्मियों की छुट्टियां आ जाएगी ना, तो भारत के इतिहास की भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। यहां पे सुन लेना, स्किप करोगे तो ये इंफॉर्मेशन आप शायद चूक चुके होंगे, ठीक है। मैं भारतीय इतिहास की क्लासेस जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखी है वो भी गर्मी की छुट्टियों में करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो स्नातक स्तर वालों के जो एक्स्ट्रा मेटेरियल है वो गर्मी की छुट्टियों में कवर होगा, ठीक है। तो यहां पे राजस्थान के इतिहास की बात करें तो आप लोगों को सबसे पहले चले जाना है प्लेलिस्ट के अंदर, अपने इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। आप कोई पेड कोर्स खरीदते हैं तब भी क्या करते हैं, आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलती है, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी है, इस प्लेलिस्ट में चले जाना है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखो, ये छोड़ दो, यहाँ पे ये वाली जो प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसमें लिख रखा है पशु परिचर ऑब्लिक सीईटी, क्योंकि पशु परिचर का जो बैच है अभी अपन को शुरू किए 4 महीने हुए हैं, और राजस्थान का जो इतिहास है
वो सीईटी का और पशु परिचर का मान के चलो सेम है हूबहू, और ये फ्रेश बैच है और हम किसी भी एक भर्ती का एक ही बैच पढ़ाते हैं। हमें ये नहीं है कि एक बैच निकाल दिया फटाक से दूसरा लेना है, ऐसा कभी नहीं होता। एग्जाम तक वही क्लासेस चलती है। तो यहां पे देखो इस प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, इसमें ऑलरेडी मैं इतिहास की सारी क्लासेस करवा चुका हूं, राजवंश वगैरह सब कुछ करवा चुका हूं, तो आप लोगों की देरी है अब, ठीक है। और ये तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी क्लास से आप कंपेयर करके देख लीजिए, आप लोगों को कमी 1% भी नहीं मिलेगी, बल्कि इसमें याद होने वाली चीजें और आप लोगों को पढ़ने का इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जाओगे तब आप लोगों को ये क्लासेस दिखने लग जाएगी। अब यहां पे देखोगे ना तो क्लासेस नंबर वाइज है सारी, जैसे कि ये पहली क्लास, फिर यहां पे लगा रखा है क्लास नंबर 2, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरीके से नंबर वाइज है। और थंबनेल पे सब कुछ डिटेल लिखी हुई है कि उस क्लास के अंदर कौन सा टॉपिक है। तो यहां पे इस तरीके जाना, जैसे कि पहली क्लास देखोगे तो 600,000 से अधिक विद्यार्थी देख चुके हैं इसे, ठीक है, और लाखों में सारी क्लासेस जो है लाखों में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं डेली। तो यहां पे जैसे ही जाओगे तो राजस्थान के इतिहास की ये सारी क्लासेस देख लो आप, यहाँ पे सब कुछ करवाया, जैसे कि देखो प्रमुख शिलालेख, सिक्के, ठीक है। यहाँ पे आओगे फिर वंशावली में आ जाओ, गुर्जर प्रतियार, ठीक है, चौहान वंश, चौहान में भी सब कुछ करवाए, गुहिल वंश, राठौड़ वंश, कछवा वंश, सारे के सारे सब कुछ नोट मेकिंग पैटर्न पे आप क्लासेस देखें, नोट्स बनाए, याद करें, और साथ साथ में आपको प्रैक्टिस यानी कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी जीजीडी ऐप में, उसे परचेज करके वहां पे आप लोगों को अभ्यास करना है। क्लासेस तो आप लोगों को परचेज करनी ही नहीं है, क्लासेस सारी की सारी यूट्यूब पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख लो सारी की सारी, इनपे सब पे जो है लिख रखा है ये इस तरीके से। तो इतिहास जो है ना, इतिहास में देखो राजस्थान के इतिहास में भी प्राचीन इतिहास हो गया, जैसे कि राजवंश वगैरह ये सब हो गए, फिर आप लोगों के आ जाएगा वंशावली होगी, तो वंशावली आ गई, देखो प्राचीन इतिहास के अंदर जैसे सभ्यता वगैरह ये भी आएगी आप लोगों के, तो सभ्यता वगैरह वो भी करवा रखी है, शिलालेख, सिक्के सब है। फिर वंशावली आ गई, वंशावली सारी करवा रखी है। फिर आधुनिक इतिहास आ जाता है, आधुनिक इतिहास में जैसे कि 1857 की क्रांति है, ठीक है, किसान आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, एकीकरण है, सब कुछ इतिहास की तो सारी क्लासेस अपलोड है, जाइए और देखना शुरू कीजिए, नोट्स बनाना शुरू कीजिए। और मतलब ये वे क्लासेस है जिनसे सवाल बाहर जाने जाती ही नहीं है। यदि आप सांख्यिकी अधिकारी का पेपर देख लो, संगणक भर्ती का पेपर देख लो, कॉलेज व्याख्याता तक का पेपर देख लो, तो भी आप लोगों के जीजीडी प्लेटफॉर्म से सवाल बाहर नहीं गए हैं। तो आप लोग पढ़े और बढ़िया दमदार तैयारी करें, ठीक है, और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ने का ये जरिया है। अब जो कहते हैं ना सर यूट्यूब पे ही पढ़ाओ मजा आया, तो ये देखो हम तो यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं, शायद आपकी नजरों में अभी तक नहीं आया हो। ये हो गई बात अपने इतिहास की, ठीक है। तो इतिहास यहां से ऐसे देख लेना है। अब आओ बात करते हैं कला संस्कृति, यही प्लेलिस्ट जिसके अंदर आप गए हो, इसी के अंदर ही, इस प्लेलिस्ट के अंदर ही यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है सीईटी, जो सीईटी में काम की है उसके ऑब्लिक सीईटी लगा रखा है, इसमें ही गए हो तब देखो यहाँ पे जो है आप लोगों को कला संस्कृति की क्लासेस भी देखने को मिल जाती है। जैसे कि ये दुर्ग की देखो क्लासेस है, तो ये कला संस्कृति में आती है, दुर्ग की इतनी क्लासेस, मंदिर की क्लासेस है, मेले त्योहार की क्लासेस है, और त्योहार अभी कंटिन्यू चल रहे हैं अपनी क्लासेस में, जैसे आज की ही क्लास थी तो त्योहार पार्ट 4 जो है त्योहार का वो करवाया है और कंटिन्यू चल रहा है, उसे कंटिन्यू देखना है। और जो स्टार्ट से कर रहे हैं दिन की 1, 2, 3 क्लासेस जितनी भी देख पाते हो देखो, नोट बनाओ और याद करते हुए आगे बढ़ो, बहुत जल्दी और स्पीड से आप लोगों का सिलेबस कवर होगा। तो ये सारी क्लासेस दे रखी है, अभी मैं इसमें पहुंच गया हूं 89 क्लास तक, ठीक है। ये इतिहास कला संस्कृति से शुरू करके कल्चर पूरा होने वाला है, अब कल्चर की 7-8 क्लासेस रही है, 8-10 मान लो मुश्किल से, ठीक है। तो ये 89 क्लासेस तक सिलसिला चला है, यानी कि डेमो वेमो देकर छोड़ा नहीं है, पूरा क्रम वाइज और सिक्वेंस के अनुसार अपन चले हैं। और इन क्लासेस की पीडीएफ जो है लगभग सप्ताह में दे दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे, अपना जो टेलीग्राम चैनल है इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितनी भी जानकारी होगी, एक्स्ट्रा जानकारी, स्टडी मटेरियल, वो सारा इस टेलीग्राम पे आप लोगों को दिया जाएगा। और इस टेलीग्राम से जुड़े हुए रहना, यहाँ पे बहुत बेहतरीन मुहिम एक चलाई जाती है, हर रोज जीजीडी फैक्ट दिया जाता है, और वो फैक्ट क्या है वो आप लोग इसी वीडियो के कमेंट में जो रेगुलर स्टूडेंट है वो कमेंट करके बताएंगे कि जीजीडी फैक्ट मुहिम कैसी है, उन्हें पढ़ लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कला संस्कृति की क्लासेस अभी इसे कंटिन्यू रखना है आप लोगों को, सीईटी के लिए अलग से मैं ये वाली क्लासेस नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि देखो पहली क्लास यदि आप देखोगे ना 4 महीने हुए हैं अभी दिए हुए, 600,000 विद्यार्थी देख चुके हैं, तो यानी कि कंटिन्यू विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अब आप लोगों के पढ़ने की देरी है। ये हो गई कला संस्कृति की बात, फिर आओ राजस्थान की कला संस्कृति हो गई, फिर आओ राजस्थान का भूगोल। तो मुझे, मैंने क्लास में इतनी बार बताया फिर भी मतलब हर रोज के 10-15 कमेंट आ जाते हैं,
सर राजस्थान का भूगोल कब शुरू करोगे, सर राजस्थान का भूगोल कब शुरू करोगे। अब हमने कमेंट में जवाब देना बंद कर दिया क्योंकि इतनी बार बताया है, आप लोग जानकारी लेना ही नहीं चाहते तो आप लोगों को कैसे जानकारी दे। तो देखो कला संस्कृति की क्लासेस पूरी होने के बाद राजस्थान का भूगोल यही क्लासेस शुरू की जाएगी, और ये क्लासेस आप लोगों के पशु परिचर, ठीक है, किस किस में साथ में बैच चलेगा, पशु परिचर, सीईटी और स्कूल व्याख्याता, ठीक है, स्कूल व्याख्याता, इनका मतलब साथ में बैच चलेगा ये तीनों, क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी तीनों में बराबर है और नए जिले बनने के बाद अपन को पढ़नी थी। तो ये क्लासेस राजस्थान ज्योग्राफी की लगभग लगभग आप मानकर चलें 2 महीने चलेगी और होली के बाद शुरू होगी। कला संस्कृति की क्लासें पूरे होते ही अपन राजस्थान भूगोल की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, बढ़िया नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ट्रिक के साथ याद करने वाली क्लासेस, कहीं दूसरी जगह भटकने की आवश्यकता तक आपको नहीं पड़ेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी बाद में भी नहीं इसका मांग कर लिया ही नहीं जाए। क्लासेस मतलब कोर्स पूरा संपूर्ण फ्री है, फ्री फ्री फ्री, जैसे आप सुनना चाहो जैसे आप देखना चाहो देख सकते हो, ठीक है। तो ये भूगोल की क्लासेस की इंफॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब देखो गणित और रीजनिंग, तो यहां पे फिर प्लेलिस्ट में जाना है आप लोगों को, और यहां पे जो है एक प्लेलिस्ट आप लोगों को देखो ये देखने को मिलती है, पशु परिचर ऑब्लिक सीईटी गणित, यानी कि अभी तक प्रमोद जी सर इतने बेहतरीन गणित करवा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, जिन लोगों को मैथ से भय लगता था वो बहुत अच्छी तरीके से मतलब प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो ये सीईटी की जो क्लासेस आप लोगों के पशु परिचर की चल रही है वही आप लोगों को ज्वाइन करनी है, देखनी है, ये प्लेलिस्ट बन रखी, देखो इतनी सारी क्लासेस दे दी और बिल्कुल बेसिक से करवाई है, ठीक है, बेसिक से लेवल जहां आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बनते हैं वो मिलाकर देख लेना सारे के सारे और सब हल करने आप लोगों को आ जाएंगे। तो गणित की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, रीजनिंग जो एक्स्ट्रा टॉपिक सीईटी मतलब पशु परिचर के अलावा जो होंगे वो भी प्रमोद सर करवाएंगे आप लोगों को। तो ये कंटिन्यू क्लासेस चल ही रही है, ये क्लासेस रोज जो है आपको शाम 9 बजे अपने दी जाती है सोमवार से शुक्रवार, ठीक है। और जीके की कला संस्कृति वाली जो क्लासेस चल रही है वो सोमवार से शुक्रवार आप लोगों के रात 8 बजे आती है कंटिन्यू अपने इसी चैनल पे, ठीक है। तो ये गणित की क्लासेस हो गई। अब बात करें अपन के सामान्य हिंदी, तो हिंदी में क्या पूछा जाएगा, हिंदी में पूछा जाएगा व्याकरण, ग्रामर पूछी जाएगी, और ग्रामर जो है अपने जीजीडी चैनल पे ही नरेंद्र दानचारण सर ने पूरी तरीके से करवा रखी है। तो आप जाइए प्लेलिस्ट के अंदर फिर से और यहां पे आप देखोगे तो हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदी व्याकरण की क्लासेस दे रखी है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहां पे आप लोगों को हिंदी व्याकरण की सारी पूरी व्याकरण पूरे जो है प्रश्न वगैरह सब कुछ करवा रखे हैं, सारे उदाहरण वगैरह सिर्फ आपके पढ़ने की देरी है। और हिंदी में तो ऐसा भी नहीं है कि जिले बदलने से चेंज हो जाए वो हो जाए, कुछ भी नहीं, हिंदी तो जो कॉन्सेप्ट है वही रहता है, बस आप लोगों को क्या करना होता है, पढ़ना होता है और उन्हें समझना होता है। तो ये बिल्कुल कंसेप्ट और सारे आपके उदाहरण के आधार पे हिंदी ग्रामर पूरी की पूरी करवा रखी है, पढ़ना शुरू कर दीजिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये हिंदी ग्रामर की बात होगी। फिर बात आई विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो पशु परिचर के अंदर भी विज्ञान पढ़नी है अपन को और सीईटी के अंदर भी पढ़नी है, तो इनकी भी कंबाइंड क्लासेस अपन बोर्ड एग्जाम के बाद में शुरू करेंगे, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा था जितने फैकल्टीज जो है हमारे वो बोर्ड एग्जाम में बिजी है, तो बोर्ड एग्जाम के बाद में वो फ्री होंगे, तब एक बढ़िया रणनीति बना के आप लोगों के विज्ञान की क्लासेस भी शुरू कर देंगे। और इसकी क्या टाइमिंग रखेंगे या कैसे आएगी वो आपको टेलीग्राम पे सूचना दे दी जाएगी, इसीलिए कहा टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 220,000 से अधिक विद्यार्थी जुड़े हुए, राजस्थान का फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, तो आप लोग वंचित हो यदि आप नहीं जुड़े हुए अभी। तो दैनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्लासेस बोर्ड एग्जाम के बाद में आप लोगों के इसी जीजीडी चैनल पे शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। और क्या है, इंग्लिश ग्रामर, तो अभी अपने नरेंद्र सिंह जी भाटी सर पशुपालन पार्ट बी की क्लासेस करवा रहे हैं और उसमें भी बहुत कम क्लासेस बची है, लगभग उन्होंने 80-90% कोर्स करवा दिया, आप तो कोई एक दो टॉपिक बचे हैं, ठीक है, और जितने भी बचे वो सारे करवा के और उसके बाद में वो ओपीडी पे तो रिवीजन क्लासेस देंगे पशुपालन की, और यहाँ पे आप लोगों को जीजीडी पे इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस दी जाएगी। वही नरेंद्र सिंह जी भाटी सर जो है बहुत बेहतरीन इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं, तो इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस आप लोगों को बेसिक से एग्जाम क्रैक करना कैसे है वहां तक जो है बढ़िया तरीके से आप लोगों को करवा देंगे, तो इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी आप लोगों को मिल जाएगी। और तो क्या चाहिए बताओ, सारा सब कुछ मिल रहा है, और क्या बचा पीछे, राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल। तो अपन भारत का भूगोल, हाँ, तो भारत के भूगोल के बारे में मैंने आप लोगों को कह दिया कि गर्मी की छुट्टियों में आप लोगों को मैं भारत का भूगोल जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो करवा दूंगा, भारत का इतिहास बोला है मैंने, भारत का भूगोल भी मैं करवा दूंगा, यानी राजस्थान का भूगोल अपना पूरा होगा 2-2.5 महीने में,
ठीक है, 2-2.5 महीने में जैसे ही पूरा होगा उसके बाद में मैं करवाऊंगा राज व्यवस्था। राज व्यवस्था की क्लासेस अपने लगभग 1-1.5 महीना चल रही है, ठीक है। राज व्यवस्था जैसे ही पूरी होगी फिर अपन लेंगे भारत का भूगोल और यहाँ पे भारतीय इतिहास उस समय, यानी कि अपने पास में अभी लगभग लगभग 6-7 महीने है, ठीक है। और इन 6-7 महीने में ये बहुत अच्छी तरीके से अपन कवर कर लेंगे। तो देखो, राजस्थान का भूगोल के बाद राज व्यवस्था और फिर भारत के भूगोल की क्लासेस शुरू की जाएगी। अब जिनके अंदर धैर्य होगा वो बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जिनके अंदर धैर्य नहीं हो या लगे कैसे होगा कैसे नहीं, या वो तो या तो आप पुराने स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं उनसे फीडबैक ले लेना, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों को लगे पेड कोर्स ज्वाइन कर लेना, बाद में ये भी क्लासेस देख लेना, मुझे क्या, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लोगों को लगे कि हमारे पास में पैसे हैं हम वहां से लेके पहले कर सकते हैं, तो मैंने कई सारे ऐसे भी पेड कोर्स देखे जहां पे पैसे लेने के बाद भी क्लासेस पूरी नहीं होती, और ये GGD है जो पैसे नहीं लेने के बाद भी क्लासेस नैतिक जिम्मेदारी के तौर पे पूरी करवाता है और डंके की चोट पे। तो ये आप लोगों का निर्णय, धैर्य है तो आप जुड़े रहे, नहीं धैर्य है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, हम कोई मना नहीं कर रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गई भारत के भूगोल की। फिर आई बात कंप्यूटर और समसामयिक की, तो करंट अफेयर्स जो है वो एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले आप लोगों को पढ़ना चाहिए। अपन एग्जाम से लगभग 2 महीने पहले करंट अफेयर्स की क्लासेस आप लोगों के लगानी शुरू कर देंगे, मैं खुद पढ़ाऊंगा और करंट अफेयर्स आप लोगों को बेहतर तरीके से करवा देंगे। उस समय करंट अफेयर्स की किताब भी जब तक जो है वन लाइनर अपन निकाल देंगे बेहतरीन अपडेटेड, तो उसके साथ साथ अपनी क्लासेस भी चलती रहेगी, ठीक है, वहां पे देंगे। और कंप्यूटर की क्लासेस के बारे में भी, इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं कहूंगा कि हाँ कंप्यूटर की कंफर्म दूंगा ही, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा कह रहा हूं तो यानी कि डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए बेहतर जो है कंप्यूटर की क्लासेस दी जाए, ठीक है। तो यहां पे मैं श्योर नहीं कह रहा हूं आप लोगों को, लेकिन कोशिश करूंगा कहा है तो मैं कोशिश किस तरीके से करता हूं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के, देखो पूरी तरीके से सिलेबस जो है CET का, जो मैंने सिलेबस एनालिसिस का भी वीडियो बनाया था, सिलेबस जो है उसके अनुसार मैंने पूरी तरीके से बता दिया है कि आप लोगों के पौ 12-25 होने वाली है, किसी तरह का भय चिंता नहीं रखनी है, बेहतर तरीके से आप लोग एग्जाम को क्रैक करने वाली तैयारी करोगे। और फोकस कहां करना है, फोकस करना है अब क्वालिफाइंग मार्क्स पे, क्योंकि CET में रिवाइज हो रहा है फॉर्मेट और न्यूनतम अंक वाला प्रावधान होने की पूरी पूरी संभावना है, तो क्वालिफाइंग मार्क्स पे करना है और अपन उसी सब्जेक्ट पे ज्यादा वेटेज देंगे कि कहां पे सवाल ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, और वहां पे ज्यादा वेटेज देंगे कि किस तरीके से क्वालिफाइंग करना है। यदि आप बढ़िया विश्वास के साथ में और नियमितता के साथ में बताए अनुसार तैयारी करते हो, आप लोगों का क्लासेस का रुपया 1 नहीं लगेगा और सारे के सारे क्वालिफाई कर लोगे, ये बात मैं कह सकता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप कितनी कर सकते हो, ये निर्णय आप लोगों को लेना है। रही बात की बुक्स और टेस्ट सीरीज, तो देखो अब CET की जो टेस्ट सीरीज है वो बन रही है, जब बन जाएगी तब आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी वीडियो के माध्यम से भी और टेलीग्राम के माध्यम से भी। बुक भी अपडेट हो रही है CET की, और जैसे ही बुक अपडेट होकर आ जाएगी तो मैं फिर से आप लोगों को बता दूंगा। तो इसके मामले में मैं यही कहूंगा कि सुन, यानी कि बहुत जल्द जो है ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, इन पे वर्क कर रहे हैं। तो क्लासेस के साथ साथ आपको बुक्स भी चाहिए होती है, तो बुक्स के बारे में भी बता दिया जाएगा, और बुक्स भी हमेशा GGD की जितनी भी आई है च्यवन प्रकाशन से आई है और एग्जाम अप्रोच के अनुसार आई है, और मेनली उनकी खासियत ये रही है कि विद्यार्थी पढ़ने से बोर नहीं हुआ है और एग्जाम सवाल से बाहर नहीं गया है, और क्या चाहिए आप लोगों को। तो ये सूचना भी आप लोगों को दे दी जाएगी। और बताऊं बेनिफिट प्लस, ये चीज तो है ही कि हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लासेस चल रही है। अपना ये जो चैनल है OPD, अभी तक बात हुई थी GGD की, अपना ये जो चैनल है OPD, इस पर समय समय पर आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी लगाई जाएगी, क्योंकि ये बनाया ही ऑब्जेक्टिव क्लासेस के लिए है, और गाइडेंस के वीडियो भी इस पे दिए जाएंगे। कई बार गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है कि फलानी चीज कैसे तैयार करनी है, कहां पे वेटेज ज्यादा है जहां देना है, तो वो चीज है। और आप लोगों के लिए MCQ क्लासेस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लासेस वगैरह इस OPD चैनल पे दी जाएगी, तो इसे सब्सक्राइब कर लेना इसे भी, ठीक है। और सारा का सारा जितनी क्लासेस GGD OPD के माध्यम से आती है आज दिन तक फ्री रही है और आगे भी फ्री रहेगी। अब पढ़ना आप लोगों को है। अब देखो यदि कोई नहीं पढ़ता तो दिखती बात है कि बहानेबाजी, पढ़ना आप लोगों को है, हमने जो है हृदय खोल के आप लोगों को बता दिया ये चीज। और यदि GGD की टेस्ट सीरीज भी देखोगे ना आप, तो मैक्सिमम टेस्ट, मैक्सिमम प्रश्न गुणवत्ता युक्त और प्राइस देखोगे तो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, क्योंकि सिर्फ सर्वर चार्ज और खर्चा निकालने के लिए, टीम का खर्चा निकालने के लिए जितनी 51-65 बस ये हम लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो अभ्यास प्रश्न भी आप देखोगे ना तो क्वालिटी, और साथ में ये जैसे ये तो पशु परिचर की है,
अब आप लोगों को सीईटी की जब देंगे तब सीईटी के बारे में भी मैं बता दूंगा। तो पशु परिचर के जो विद्यार्थी हैं वो इन्हें ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि जब सोल्ड आउट हो गई तो आप इसे ज्वाइन नहीं कर पाओगे। इनकी वैलिडिटी भी हमने बढ़ा के दिसंबर 2024 तक कर दी है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन अब हर उस विद्यार्थी तक पहुंच जानी चाहिए जो सीईटी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जब हम नैतिक जिम्मेदारी लेकर आपको पढ़ाने के लिए तैयार है तो आप लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है हर उस विद्यार्थी तक पहुंचा देना है जो वास्तव में पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो अब बढ़िया, जितनी क्लासेस रनिंग चल रही है, जो जो आप लोगों को जिस तरीके से बताई वो सारी तैयार कर लेना, और इसके बाद में जैसे ही कला संस्कृति पूरी होती है तो आप लोगों के राजस्थान भूगोल की क्लासेस लगेगी, और कौन सी क्लासेस किस तरीके से आने वाली है वो सारी चीज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है। तो दमदार तैयारी के साथ में आगे बढ़ेंगे और सीईटी को फाड़ के फोड़ देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।